नमस्कार, ब्रॉडकास्ट मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं जी सिंह फिर लेके आई हूँ 5 मिनट की चर्चा। आज की चर्चा का विषय है पूरे हो गए अरविंद केजरीवाल के 3 साल, क्या किया क्या नहीं किया, इस बारे में हम जानकारी लेंगे वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश श्रीवास्तव जी। ज्ञानेश जी, हमें ये बताइए, आम आदमी पार्टी सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं और इन 3 सालों में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, क्या उपलब्धियां हैं? जैसे कि उन्होंने आज कहा कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो हमने 3 साल में करके दिखाया, क्या किया उन्होंने 3 साल में वो बताइए। आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल के 3 साल पूरे हो गए और उन्होंने आज इस मौके पर जो बात कही है कि 70 साल में जो नहीं हुआ वो 3 सालों में कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। प्रैक्टिकली सोचिए, एक कॉमन मैन के हिसाब से सोचिए, क्योंकि ये सरकार कॉमन मैन की सरकार मानी जाती है, कोई भी नहीं कर सकता है कि 3 साल में आप 70 साल के काम को कर सकते हैं। तो ये एक तरह से चुनावी नेताजी का बयान है, आपको आपसे ये उम्मीद नहीं की जाती थी, आपने कुछ अच्छे काम किए, आपको उस उपलब्धियों को गिनाना चाहिए था कि आपने मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की, शिक्षा पर काफी अच्छा काम किया आपने। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि 3 साल पूरे होने पर क्या किया है सरकार ने, क्या उपलब्धियां रही, तो मेरे हिसाब से वो उपलब्धियां 0 है। आप जन लोकपाल लेके आए थे, आपने एक नई किस्म की राजनीति की शुरुआत करने की बात कही थी, लोगों की उम्मीदें आस्थाएं और विश्वास जुड़ा हुआ था आपसे, एक बिल्कुल वैक्यूम था भारतीय राजनीति में, लोग उब चुके थे, और आपने एक नई किस्म की राजनीति की बात कह करके आप सत्ता में आए। और आप अब आप गिना रहे हैं कि 70 साल में क्या हुआ और हमने 3 साल में क्या किया, आपने कुछ भी नहीं किया। अगर जनता की इच्छाओं को देखें, जनता के हिसाब से सोचें, तो ये सरकार जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज होती है उसकी तरह निकली है सरकार। इसने ऐसा कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको जनता फिर दोबारा सत्ता में वापस लाने के बारे में सोच सके। मुझे ऐसा लगता है कि जब चुनाव का वक्त आएगा तो जनता क्या मूड होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इस सरकार ने जो सबसे बड़ा गलत काम किया है, जनता की आकांक्षाओं को, विश्वास को घोटा है। आपको लाया गया था कि आप DTC की बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो CCTV के वादे किए थे, मार्शल की तैनाती की बात कही थी आपने, आपने ढेर सारी ऐसी बातें कही थी जिसको आम जनता कनेक्ट कर रहा था अपने आप से, आपने वो सब कुछ भी नहीं किया। आपने सिर्फ क्या किया, आपने आम आदमी की गरिमा को गिराया है, आपने अपने प्रतिष्ठा को गिराया है, मुख्यमंत्री पद की गरिमा को गिराया है। शीला दीक्षित भी जब सरकार में आई थी, मुख्यमंत्री बनी थी, उसमें NDA की सरकार थी, मतलब कि BJP की सरकार थी केंद्र में, लेकिन ऐसा कोई वाक्य देखने को नहीं मिलता है जिसमें यह मालूम हो कि दोनों की सरकारों में कन्फ्रंटेशन है, कोई विवाद हो। ये सरकार सिर्फ विवादों को जन्म देती है और कुछ नहीं करती। आपको याद होगा मुकेश अंबानी को उन्होंने क्या कही थी कि मैं उनको गिरफ्तार कर जेल डालूंगा, उन्होंने कहा था कि मैं कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटाले के आरोपी शीला दीक्षित को जेल में डाल दूंगा। क्या हुआ वो सब चीज, क्या हम गए? कहने का मतलब ये हुआ कि ये सरकार जिसके लिए लाई गई थी, आपने विश्वास को तोड़ा है। हम बात कर रहे हैं कि आम आदमी की विश्वास और कुमार विश्वास को के विश्वास को भी तोड़ा है जी। आप खरीद फरोख्त में लग गए, आपने राज्यसभा सीट बीच दी, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये एक परसेप्शन बना हुआ है आम आदमी पार्टी के बीच की, कार्यकर्ता निराश है, सिर्फ नेता मस्त है। उसमें आपके सारे कम से कम 5 से 6 मंत्रियों पर करप्शन के चार्जेस लगे, जेल गए आपके, यौन शोषण में आपका एक मंत्री बर्खास्त होता है। कहने का मतलब ये सरकार जो सोचा गया था कि एक नए किस्म की सरकार होगी, अच्छे लोग होंगे, अच्छे लोगों को आपने दरकिनार कर दिया। कहने का मतलब ये होगा ये सरकार जो है आम आदमी पार्टी की सरकार 3 साल में ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसको आप उपलब्धि के रूप में गिना सके। देखिए, कोई भी सरकार जब आती है, नई सरकार जब बनती है, जाहिर सी बात है वो जो पुरानी सरकार या पिछली सरकार जिसको हरा दिया है जनता ने, वो उस कार्य को करती है, इसमें नई अचीवमेंट की बात नहीं है। लेकिन ये कह देना मात्र भर से कि हमने 3 साल में वो काम किया है, मुझे लगता है कि ये थोथली दलील है और जनता को भरमाने का एक प्रयास है। सर, हमें बताइए, जैसे कि आपने बोला कि यौन उत्पीड़न में एक मंत्री जेल में गए होंगे, महिला पर दिल्ली में महिलाएं सेफ नहीं है, अभी 2 दिन पहले आपने देखा है कि क्या हुआ है जो DTC बस में, कहां गए वो CCTV के कैमरे, कहां गए वो मार्शल, अगर कोई क्या जवाब देंगे? देखिए, पहले ये सरकार, ये पार्टी जो थी, तुरंत रिएक्शन में आए थे जी। लेकिन अब देखिए कि 2 दिन पहले की घटना है, DU की छात्रा के साथ में चलती बस में एक आदमी गलत हरकत कर रहा है और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। अगर वो मार्शल की तैनाती होती उस रोड पर,
अगर सीसीटीवी कैमरे लगे रहते तो शायद ऐसी घटनाओं को नहीं अंजाम देता वो अपराधी किस्म का प्रवृत्ति जो व्यक्ति था। कहने का मतलब देखिए, ये सरकार अगर हम एक शब्द में कहें कि जनता की आकांक्षाओं को गला घोट दिया है, और जो जो ढेर सारे सपने थे युवाओं के, दिल्ली के खास करके, उसको कहां भेज दिया, क्या कर दिया मुझे नहीं पता है। हाँ, सरकार अच्छी चल रही है, उसको आप बाकी पॉलिटिकल पार्टी से तुलना करेंगे तो आप उसमें नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री दे सकते हैं, लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी की आम आदमी के लिए थी, वो खत्म हो गई है, वो अब आम आदमी की पार्टी नहीं रहेगी, सारे के सारे नेता खासम खास हो गए हैं। सर, आज जैसे कि आज वैलेंटाइन दिन है, प्यार का दिन, तो क्या प्यारा सुझाव देना चाहेंगे आप अरविंद केजरीवाल जी? अरविंद केजरीवाल को एक ही सुझाव है कि जो लोग आपकी पार्टी से जिसको आपने ईगो की वजह से आपने निकाल दिया था, अगर किसी भी तरीके से प्यार से उनको वापस लाते हैं और फिर उसी तरह के लोगों का जमावड़ा होता है इस पार्टी में जिस समय इंडिया अगेंस्ट करप्शन था, तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल की राह और आसान हो जाए। शुक्रिया सर हमें अपना समय देने के लिए। हम फिर हाजिर होंगे 5 मिनट की चर्चा लेकर।